हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशुल गुप्ता। आई टीच एट द फिजिक्स ट्री कोचिंग इन जनकपुरी दिल्ली। और आज हम लोग रोटेशनल मोशन शुरू कर रहे हैं, और ये मेरा फेवरेट चैप्टर रहा है हमेशा से फिजिक्स में। और ज़्यादातर बच्चों को ये चैप्टर पसंद नहीं आता, बिकॉज दे से कि सर इसमें सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। हमने जो काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़े थे, उसकी जगह इसमें नई चीज़ें आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने जो मास इनर्शिया का मतलब समझा था, मास का जो मतलब समझा था, उसकी जगह एक नई चीज़ आ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद हमने फोर्स पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या मास इनटू एक्सेलरेशन, उसकी जगह भी एक नई चीज़ आ गई, टॉर्क, विच इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो सर हर चैप्टर अभी तक फिजिक्स में जितने चैप्टर पढ़े थे उन सब का कंबाइन करके जितनी चीज़ें थी वो सारी की सारी इसमें दोबारा आ रही है विद न्यू नेम्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको एज ए स्टूडेंट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतनी सारी नई चीज़ें पढ़नी पड़ रही, मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स की जगह मोमेंट ऑफ इम्पल्स, इवन जो काइनेटिक एनर्जी अभी तक कितना सिंपल होता था, हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हम लोग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखने लगे। तो देखो बच्चों, इस चीज़ को देखने के दो पहलू है, या तो तुम ये सोचो कि सर हर चीज़ के लिए नई चीज़ पढ़नी पड़ रही है, या फिर तुम ये सोचो कि जो कुछ भी नया पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, हमको सारे फॉर्मूले ऑलरेडी पता है, बस ट्रांसलेशन जो अभी तक पढ़ रहे थे, अभी तक जो मोशन हम पढ़ रहे थे वो ट्रांसलेशन था, उसमें हमने जो कुछ भी चीज़ें यूज़ करी है सबका एक नया नाम इधर आ रहा है। सेम फॉर्मूले सारे के सारे चलेंगे। यहाँ फोर्स होता था मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ टॉर्क होगा एंगुलर मास इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। बोले सर एंगुलर मास क्या होता है? एंगुलर मास कुछ नहीं होता, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं याद रखने के लिए एंगुलर मास बोल दिया। तो यहाँ पर मोमेंटम था, मोमेंटम क्या था? मास इंटू वेलोसिटी, तो यहां पर क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर मास क्या होता है? अरे मजाक में बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं क्या? एंगुलर मास। रोटेशन में मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नाम है। अगर कोई एंगुलर मास नाम रख देता तो थोड़ा आसान रहता सब लोगों के लिए। क्यों आसान रहता? डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, मास एंगुलर मास, आसानी से याद रहता। पर नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग इतने सारी जगह इतनी बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म यूज करेंगे कि तुमको बाय द एंड ऑफ द सीरीज, ये जो वीडियो सीरीज है 5 से 6 लेक्चर्स की बनेगी, ये तुमको एक एक चीज का, एक एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रट जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे मत सोचना कि बहुत टफ चैप्टर है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ऐसे सोचना कि इस चैप्टर में सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, और अगर ये स्ट्रांग है तो सब कुछ स्ट्रांग है, और अगर ये स्ट्रांग है तो मैकेनिक्स स्ट्रांग है। समझ रहे हो? काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज, वर्क पर एनर्जी, कोलिजन, और अगर ये वाला पार्ट किसी भी स्टूडेंट का स्ट्रांग है तो उसको बाकी की फिजिक्स पढ़ने के लिए सीरियसली किसी टीचर की जरूरत नहीं है। कोई भी बुक उठा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दे, कोई भी वीडियो सीरीज उठा के सारी वीडियोस देख ले, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दे, उसका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, तो इस चीज को समझते हुए कि हाँ बहुत सारी चीजें पढ़नी है, अपन आज शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये जो 3 नए वेरिएबल्स आए, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, सबसे पहले इन्हीं को समझाता हूँ कि भाई ट्रांसलेशन और रोटेशन में ऐसा क्या डिफरेंस था कि हमें रोटेशन पढ़ने के लिए नए वेरिएबल्स ही डिफाइन करने पड़ गए। ओके, तो इसको शुरू करते हैं, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न इन रोटेशन। तो बच्चों शुरू करने से पहले लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर कि ट्रांसलेशन और रोटेशन में क्या डिफरेंस होता है।
हम लोग रोटेशन को अभी तक जो चीजें पढ़ी थी उनके टर्म्स में क्यों नहीं पढ़ रहे। तो ट्रांसलेशन जो हमने अभी तक कवर किया उसमें किसी भी सिस्टम के सारे पार्टिकल्स, अगर किसी भी सिस्टम के सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो हम उस मोशन को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। किसी भी सिस्टम के, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के, समझ रहे हो, किसी भी चीज के अगर सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। ठीक है, अभी तक आपने एक स्मॉल पॉइंट की बात की हो, एक पार्टिकल की बात करी हो या एक बिग बॉडी की बात की हो, हर केस में अगर आप ध्यान करो, पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पूरा वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ा, सब जगह अगर कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है, एक लकड़ी का ये बॉक्स है और ये मूव कर रहा है, तो अभी तक आपने इसको एक सिंगल वेलोसिटी से डिनोट किया था कि ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर आप इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी सिर्फ वी बता रहे हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर इसके सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम है, सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम है, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी वी है, इसकी वेलोसिटी भी वी है, इसकी वेलोसिटी भी वी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब सभी की वेलोसिटी वी है तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखना बड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स मानो या एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? इस पार्टिकल को M1 बोल दूं, इसको M2 बोल दूं, इसको M3 बोल दूं, कुछ भी नेमिंग कर दूं, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ M1 वी स्क्वायर प्लस हाफ M2 वी स्क्वायर प्लस हाफ M3 वी स्क्वायर। सब में वेलोसिटी सेम है, अगर वेलोसिटी सेम है तो हाफ सारे मासेस जुड़ जाएंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 इनटू वी स्क्वायर। और क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी? हाफ सारे मासेस ऐड हो गए तो टोटल ब्लॉक का मास कैपिटल M इनटू वी स्क्वायर। ट्रांसलेशन में पूरे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि सभी की वेलोसिटी सेम होती थी। सबकी वेलोसिटी सेम है तो इन सब की जगह हम FBD बनाते थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, तो इन सब को हटा के एक सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते थे कि ये टोटल M मास है और ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? V वेलोसिटी से जा रहा है। समझ में आई बात? तो ये होता था ट्रांसलेशन, जब सबकी वेलोसिटी सेम होती थी और काइनेटिक एनर्जी में हमें सबकी बात अलग अलग नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि सबकी वेलोसिटी सेम है, सीधे सीधे मासेस जोड़ के हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी लिखी जा सकती है। दिस वॉज ट्रांसलेशन, ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम वेलोसिटी। रोटेशन में क्या गड़बड़ हो गई? इसी लकड़ी के एक प्लैंक को समझ लो कि हमने आगे खींचने की बजाय इसको यहां पर हिंज कर दिया। बच्चों, हिंज कैसे कर दिया? आपने डोर, अगर अपने घर का रूम का डोर देखोगे तो पाओगे कि उसको कॉर्नर पर ऐसे हिंज कर देते हैं, उसमें नेल लगा देते हैं और वो रोटेट कर सकता है और वो अब आगे या पीछे मूव नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप हैंडल पकड़ के खींचोगे तो वो इस तरह से गेट ओपन जरूर हो सकता है, ऐसे, समझ रहे हो? और ज्यादा खींचोगे तो वो और ज्यादा ओपन हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री पर आ जाएगा, लेकिन डोर आगे या पीछे शिफ्ट नहीं होगा, अपनी ही जगह पर ये सारे पॉइंट्स फिक्स रहेंगे, जहां पर हिंज किया है वहां पर सब पॉइंट्स फिक्स रहेंगे और बाकी का पूरा डोर उसके अबाउट घूम जाएगा। तो अगर इस डोर के किसी भी पॉइंट की बात करूं, लेट से ये पॉइंट है ए, और बोलूं कि इसका पाथ कैसा दिख रहा है, तो तुम बोलोगे सर ये ए ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, और अगर ये डोर 360 डोर होता, 360 डोर कैसा होता है? मॉल वगैरह में आपने देखा हो या मूवीज में देखा हो, पहले पुराने होटल्स में होता था, वो पूरा 360 डिग्री से ऐसे गोल गोल घूम जाता था। तो अगर 360 डिग्री वाला डोर है ये आपका,
ठीक है, तो ये ए का पाथ जो है वो पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाएगा। आप पूरे डोर को घुमा दो, ए का पाथ पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। मतलब वन थोड़ी देर में ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट ए, और अब आप उसी डोर को जिसको पहले आप आगे खींच रहे थे, सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम थी, ट्रांसलेशन हो रहा था, अब उसका क्या होने लग गया, रोटेशन होने लग गया। कैसे पता रोटेशन होने लग गया? ए का पाथ बनाया तो वो सर्कल दिखा, बी का पाथ बनाया तो वो भी एक सर्कल दिखेगा, और सी का पाथ बना लो तो वो भी सर्कल दिखेगा, लेकिन मैं ज्यादा सर्कल्स नहीं बनाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड दिखेगी फिगर। तो इस केस में इस डोर के सभी पार्टिकल, सभी एटम, सभी मॉलिक्यूल्स किस में घूम रहे हैं? सर्कुलर मोशन में। क्या उन सबके सर्कल सेम हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सबके सर्कल सेम होना जरूरी नहीं है। पर जो ए पार्टिकल घूम रहा है उसका सेंटर है सी वन, ठीक है, लेट्स नेम इट सी वन। जो बी पार्टिकल घूम रहा है उसका सेंटर है सी टू, एक का सेंटर सी वन, बी का सेंटर सी टू। अगर बाकी पार्टिकल्स के भी सर्कुलर मोशन बनाते तो उनके सेंटर्स भी एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते। तो क्या शर्त है? इन रोटेशन पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम शुड बी मूविंग इन सर्कुलर मोशन। रोटेशन में सिस्टम के सभी पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में होने चाहिए अबाउट फिक्स्ड सेंटर्स, और उन सब के सेंटर्स कैसे होने चाहिए? फिक्स्ड होने चाहिए। और वो सारे के सारे सेंटर्स कहाँ होने चाहिए? ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों लाइन तो स्ट्रेट ही होती है, ठीक है, ठीक है। सारे के सारे सर्कल, सारे के सारे सेंटर्स किस पे होने चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए। इस स्ट्रेट लाइन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसको हम बाद में नाम देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी लाइन होती है? जिस पे सारे के सारे पार्टिकल्स के सेंटर्स लाई करते हैं। समझ में आया? जो जो पार्टिकल रोटेट हो रहे हैं, जो जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, उन सब के सेंटर्स जहां पर लाई करेंगे उस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन में तुमको क्या समझना है, एक और सिंपल फिगर से बनाता हूं, एक और सिंपल फिगर से दिखाता हूं। ये एक रॉड है, ठीक है, ट्रांसलेशन भी बनाऊं इसका। ये एक रॉड है, इसको पहले ऊपर ले गए, ठीक है, यहां पर, फिर आगे ले गए यहां पर, फिर वापस यहां ले आए, ऐसे करके रॉड को मूव कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब कुछ तुमको सेम दिखाई देगा। हर एक पार्टिकल का, ए बी सी डी ई, हर एक का डिस्प्लेसमेंट, हर एक का डिस्टेंस, हर एक की वेलोसिटी सब कुछ सेम दिखाई देगी। रॉड को कैसे मूव कर रहे हैं? पहले रॉड को ऊपर ले गए, फिर आगे ले गए, फिर वापस अपनी जगह ले आए। तो जब तक हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सेम वेलोसिटी से चल रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, ठीक है, जब वेलोसिटी सेम होगी ना तो सारी चीज़ें सेम आएंगी। तो एक सिंपल रॉड ऐसे रख लो और फिर इसको देखो, देखो इस रॉड को यहाँ से यहाँ ले गए, इस रॉड को यहाँ से यहाँ ले गए और फिर वापस ले आए। तो ये हुआ सबका डिस्प्लेसमेंट, सभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तुम्हें सेम दिखाई देगा। ये हुआ सबका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो ही ट्रांसलेशन है, कर्व में भी जा सकते हैं, सर्कल में भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रांसलेशन में सभी का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ सेम होना चाहिए। ओके, तो इफ ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी देन इट इज ट्रांसलेशन। रोटेशन में क्या होगा? इफ ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन सर्कुलर मोशन अबाउट फिक्स्ड सेंटर्स ऑन अ फिक्स्ड लाइन देन इट इज रोटेशनल मोशन। सेम रॉड जो वहां पे बनाई मैंने, ठीक है, तीन पॉइंट्स मान लेते हैं ए बी सी,
यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, और सेम रॉड तीन पॉइंट्स मान लेते हैं ए बी सी, और अब मैंने ट्रांसलेशन की जगह रॉड के इस एंड पर बच्चों एक नेल लगा दी, नेल मतलब एक कील गाड़ दी इसमें, ओके आई हैव पुट अ नेल इन द रॉड। अब ये वाला पॉइंट मूव नहीं हो सकता, ये एंड पॉइंट मूव नहीं हो सकता, इसको हिंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉड को हिंज कर दिया। जब ये पॉइंट मूव नहीं हो सकता तो फिर रॉड कैसे मूव करेगी? ऐसे चली जा सकती है ऊपर की तरफ, ऐसे जाएगी तो ए का पाथ ऐसा बनेगा, बी का पाथ ऐसा बनेगा, सी का पाथ ऐसा बनेगा, पूरा 360 डिग्री से घुमा देंगे तो ए का पाथ ऐसा बनेगा, बी का पाथ ऐसा बनेगा, सी का पाथ ऐसा बनेगा। सभी के पाथ कैसे दिखाई देंगे? सर्कुलर मोशन, ठीक है। सबकी रेडियस सेम होना जरूरी है? नहीं। सबके सेंटर सेम होना जरूरी है? नहीं। लेकिन सबके सेंटर्स कहाँ होने चाहिए? रेस्ट पर होने चाहिए। समझ में आ गई बात? रोटेशन वर्सेस ट्रांसलेशन, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है टू अंडरस्टैंड कि रोटेशन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस होता है। इसको फटाफट नोट डाउन करो, आगे बात करनी है हमको, ओके बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एंगुलर वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको हमें क्यों डिफाइन किया, हमने उनको क्यों डिफाइन किया रोटेशनल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे सिंपल एग्जांपल अगर रोटेशन का मुझे लेना है तो मैं एक स्केल को, ठीक है, एक रॉड मान सकते हो आप, उसको एंड पॉइंट पर हिंज कर दिया। हिंज कर दिया मतलब ये वाले पॉइंट पर एक कील लगा दी, कील लगा दी तो ऐसे इसको पकड़ लिया। अब ये वाला एंड पॉइंट मूव नहीं कर सकता, अगर मूव नहीं कर सकता तो ये स्केल कैसे रोटेट हो सकता है? इस एंड पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट हो सकता है, गोल घूम सकता है। तो जब ये गोल घूम रहा है तो ठीक है, इसको यहां पर देखना, इस पर समझने की कोशिश करना। तो व्हेन एक पॉइंट पर मैंने रॉड को हिंज कर दिया, उस पर एक कील लगा दी, और फिर मैं बोल रहा हूं कि अब इसे मूव करना है, तो मूव कैसे करेगी रॉड? ऐसे से ऐसे जा सकती है, और थोड़ा घुमाऊं तो ऐसे पहुंच जाएगी, और थोड़ा घुमाऊं तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे घुमाता जाऊं थोड़ी देर में अपनी जगह वापस आ जाएगी। तो जब रोटेशन किया गया चीजों का तो लोगों ने नोटिस किया कि ये पार्टिकल सभी पार्टिकल्स अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ए ने थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रैवल करी, बी ने थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी, सी ने और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी, और जो सेंटर है, जो हिंज है, वो तो बेचारा फिक्स्ड है अपनी जगह पर। तो हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा, हर एक की डिस्टेंस अलग अलग आएगी, हर एक की वेलोसिटी अलग अलग आएगी। जब पूरा सर्कल चलेगा, जब ये रॉड को पूरा सर्कल में घुमाओगे तो ए ने छोटा सा सर्कल ट्रैवल किया होगा, बी काफ़ी बड़ा सर्कल ट्रैवल करके आएगा, और सी सबसे बड़ा सर्कल ट्रैवल करके आएगा। बोले कि ये तो बड़ी दिक्कत है, हर एक पार्टिकल अगर अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सेम टाइम में, जब रॉड को पूरा घुमाए तो टाइम मान लो 2 सेकंड लगे पूरा रॉड को घुमाने में, तो ए बी सी सब ने डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल किया, तो हम इसकी बात कैसे करें, हम इसके इसको स्टडी कैसे करें? तो किसी ने सजेस्ट किया कि एक बात बोलो, सबने डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल करी, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, लेकिन जब रॉड इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन में पहुंची तो सबका एंगल ट्रैवल्ड, एंगल सबने इक्वल चला कि नहीं चला? जब रॉड पूरा रोटेट करके वापस अपनी जगह आ गई तो सबने एंगल कितना मूव किया? तुम बोलोगे सर 360 डिग्रीज, राइट, पूरा 360 डिग्री घूम के रॉड अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। तो बोले सर इसका मतलब हमें इनके डिस्प्लेसमेंट की जगह किसकी बात करनी चाहिए कि ये एंगल कितना चल रहे हैं, तो कितना एंगल से रॉड घूमी उसको नाम दिया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहली चीज जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये जो थीटा है इसकी वैल्यू अब हम डिग्रीज की जगह एक नई यूनिट में देखेंगे जिसको बोलते हैं रेडियन।
रेडियन में कैसे कैलकुलेट करते हैं एंगल को, तो उसके लिए किसी ने सजेस्ट किया कि इनमें से किसी का भी पाथ जो चला इसने, जितने पाथ की लेंथ कवर करी सी ने, जितना पाथ कवर किया उसकी लेंथ एल पता हो, और इस पार्टिकल ने जिस सर्किल में, जिस रेडियस के सर्किल में घूम रहा है उसकी रेडियस पता हो। तो अगर लेंथ ऑफ पाथ पता है और रेडियस पता है तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया? क्योंकि बच्चों अब हमें SI यूनिट्स में बात करनी है, स्टैंडर्ड यूनिट्स जिनको हम कैलकुलेशन में ले सके, 360 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनको हम कैलकुलेशंस में कभी यूज नहीं करेंगे। कैलकुलेशन में क्या यूज करेंगे? रेडियंस। बोलते सर कैसे याद रखना है इसको, तो ऐसे समझो अगर पूरे सर्कल में रॉड को घुमा देते हैं, पूरा सर्कल कंप्लीट करा देते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कंप्लीट सर्कल कितना होगा? लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस। और बच्चों एक कंप्लीट सर्कल की लेंथ कितनी होती है? एक पूरे सर्कल में अगर कोई चीज चली तो कितना लेंथ चला उसने? तो तुम बोलोगे कि सर पूरे सर्कल की लेंथ, हमें सर्कल की पेरीमीटर याद है, वो होती है 2πr, 2πr डिवाइडेड बाय r, कितना आ गया? 2π रेडियंस, 2π रेडियंस। बोले सर आज तक हम रेडियंस को किस में बात करते थे? पूरे सर्कल का एंगल लेते थे 360 डिग्रीज। तो आज से तुम्हें क्या याद रखना है कि पाई रेडियंस, रेडियंस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर पाई बाय 2 लिखता है कोई तो उसका क्या मतलब निकालोगे कि सर पाई बाय 2 रेडियंस, रेडियंस को शॉर्ट में रैड लिखते हैं, RAD, ठीक है, पाई बाय 2 रेडियंस इज 90 डिग्री। इधर 2 से डिवाइड किया तो इधर भी 2 से डिवाइड किया। पाई बाय 3 रेडियंस इज 60 डिग्री, 180 को 3 से डिवाइड कर दिया, इधर 3 से डिवाइड किया तो इधर भी 3 से डिवाइड किया। पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 को 6 से डिवाइड करो बच्चों तो कितना आएगा? 30 डिग्री। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पाई बाय 4 रेडियंस कितना होगा बच्चों? पाई बाय 4, 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 45 डिग्री। 2π बाय 3 कितना आएगा सोचो? पाई बाई 3 कितना होता है? 60 डिग्री, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो कितना आ गया? 120 डिग्री। तो ये हैं जो मेन एंगल आपको बार बार दिखाई देंगे और आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब भी कैलकुलेट करेंगे डिग्रीज में आंसर नहीं करेंगे। SI यूनिट्स इज नॉट डिग्रीज, बचपन से पढ़ते आए थे, अच्छी बात है आपको पता है, लेकिन अब से हम क्या यूज करेंगे? रेडियंस। और क्या फॉर्मूला रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ पाथ टेकन। जब भी कोई चीज सर्कल में चल रही है उसका पाथ एक आर्क बनाएगा, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इसके टर्म्स में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको किसी भी आर्क का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर पार्टिकल इतना चला है, ठीक है, कोई बोले कि 60 डिग्री से रॉड को रोटेट किया है, तो तुम फट से बोलोगे कि इसका मतलब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? पाई बाई 3 रेडियंस। इसको याद भी रखना है और समझना भी है, फटाफट नोट डाउन करो। ऐसे दो और वेरिएबल पढ़ाने, एक है एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, नोट डाउन करो इसको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट चीज हमको डिफाइन करनी है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है? बहुत सिंपल टर्म्स में बात करें तो इट इज कितनी तेजी से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कितनी तेजी से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी।
एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक सेकंड में अगर 90 डिग्री कोई चीज घूम रही है तो आप बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पाई बाय 2 रेडियन इन 1 सेकंड, यानी पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी को बहुत सिंपल टर्म्स में देखें तो कितना चेंज हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इतना सिंपल है एंगुलर वेलोसिटी कि एक सेकंड में कितना डिग्री चल रहा है, कितना रेडियन चल रहा है। अगर कोई बोला कि एक रॉड रोटेट हुई है बाय 360 डिग्रीज इन 5 सेकंड्स, तो तुम इसको कैसे पढ़ोगे? तुम बोलोगे सर 2π रेडियन इन 5 सेकंड्स। अगर कोई रॉड 5 सेकंड में 2π रेडियन चल रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है 2π रेडियन पर यूनिट 5 सेकंड, यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π बाय 5 रेडियन पर सेकंड। अगर डिग्री में सोचना पड़े तो 2π बाय 5, 360 बाय 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 360 बाय 5 कितना आएगा? सोचो, डिवाइड करो 360 को 5 से, आंसर आएगा 72 डिग्रीज पर सेकेंड। एक सेकेंड में 72 डिग्रीज घूम रहा है, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट्स में क्या लिखेंगे? ओमेगा इक्वल्स टू 2π बाय 5 रेडियन पर सेकेंड। मान लो कोई चीज 180 डिग्री रोटेट करती है, 180 डिग्रीज रोटेट करती है इन 2 सेकेंड्स, तो तुम क्या बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी? सर ये पाई रेडियन रोटेट कर रहा है इन 2 सेकेंड्स, तो हम बोलेंगे पाई रेडियन इन 2 सेकेंड्स। तो एंगुलर वेलोसिटी बोली जाएगी पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो एंगुलर वेलोसिटी इज एज सिंपल एज दैट। आप एंगुलर वेलोसिटी को इतनी आसानी से डिफाइन कर सकते हो। अगर एवरेज या कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, और अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो बहुत छोटे टाइम के लिए कैलकुलेशन करना जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एवरेज और कांस्टेंट वैल्यूज के लिए, और डी थीटा बाई डी टी किसके लिए? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए। ओके, तो एट दिस पॉइंट अगर इंस्टेंटेनियस का मतलब नहीं पता है तो इसका मतलब काइनेमेटिक्स की फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखनी चाहिए, उसमें इंस्टेंटेनियस का मतलब सिखाया था। अभी बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी हमारा ऑब्जेक्टिव एंगुलर वेरिएबल सीखना है। अभी के लिए अगर आपको यह भी समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इमीडिएटली हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तीसरी चीज जो डिफाइन करी हमने वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? एक्सेलरेशन क्या होता था? किस तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको एक्सेलरेशन बोलते थे। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? किस तेजी से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किस तेजी से चेंज हो रही है, तो क्या लिख सकते हैं? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। ये कब यूज कर सकते हैं? जब एवरेज या कांस्टेंट हो एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज या कांस्टेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इंस्टेंटेनियस के लिए इसमें भी डी ओमेगा बाई डी टी। तो इसको लेके परेशान नहीं होना है, ये समझ में आना चाहिए। मतलब थोड़ा अच्छे टर्म्स में लिख के दिखाओ तो अल्फा को क्या लिखोगे? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल को नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय टी। इस पॉइंट पे तुम्हें थोड़ा सा याद आना चाहिए कि सर एक्सेलरेशन का भी जब कांस्टेंट होता है तो यही फॉर्मूला बताया था आपने, वी माइनस यू अपॉन टी।
और फिर उससे आपने तीन इक्वेशन डिराइव कर दी थी, इक्वेशन ए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन बी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इक्वेशन सी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो क्या हम वो तीन इक्वेशन रोटेटिंग बॉडी पर भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और यहां पर जो तीन इक्वेशन आएंगी बिल्कुल ऐसी ही दिखेंगी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में इनिशियल वेलोसिटी u की जगह हम लेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइनल वेलोसिटी की जगह ओमेगा, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको नई इक्वेशन याद नहीं करनी है, आपको बस क्या सोचना है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहां पर ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होता था इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ये तीसरा क्या होता था एक्सेलरेशन, तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, s इज इक्वल्स टू, s की जगह क्या आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल्स टू यू टी, वो सर बोल यू रहे हो और ओमेगा नॉट लिख रहे हो तो यू ही बोलो, और याद रखो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो यू टी प्लस हाफ ए की जगह अल्फा, टाइम तो टाइम हमेशा सेम ही रहेगा। और थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो वी इज फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू u is initial velocity, तो initial angular velocity omega naught square plus 2 as, a की जगह alpha और s की जगह theta। तो बच्चों ये तीन equation भी आप rotating objects पर use कर सकते हो। शर्त क्या है, जो शर्त वहां थी कि acceleration constant होना चाहिए, यहाँ है कि angular acceleration कौन सा होना चाहिए, constant होना चाहिए। समझ में आई बात, तीन इक्वेशन जो पहले पड़ी थी अब उनकी जगह हम रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए ये तीन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं याद थी तो अब याद आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब भी मैं पुरानी चीजें बताऊंगा तो मैं उनका शॉर्ट में ब्रीफ देता जाऊंगा कि भाई ये पढ़ा था और इसके बेसिस पर ये सीखा। फटाफट नोट डाउन करो, तीनों वेरिएबल्स मैंने आपको समझाए, अब इनका यूज करना दिखाना है मुझे। ओके बच्चों, एक और चीज बतानी है कि हाउ टू डिफाइन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज कर रहा हूं, यानी ये क्वांटिटीज कैसी हैं, वेक्टर्स हैं। ओके, तो वेक्टर्स हैं तो इनकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन का फंडा समझ लो, एंगुलर वेलोसिटी अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो आपको क्या समझना है, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी या फिर क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई चीज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो थोड़ी देर में यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। हर एक पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक घूमती है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है तो थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगी। तो हर एक पार्टिकल का मोशन कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, समझ रहे हो। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझाने के लिए मैं आपको एक्स वाई प्लेन में कोई डायरेक्शन नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि अभी तो ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठेंगे पर थोड़ी देर बाद जब ये रॉड यहां पर पहुंचेगी बच्चों, जब ये यहां पर पहुंचेगी और एंटी क्लॉकवाइज घूमे जा रही है तो यही पार्टिकल्स आपको लेफ्ट में जाते दिखाई देंगे। थोड़ी और देर बाद जब यहां पहुंच जाएगी तो सेम पार्टिकल्स आपको इधर जाते दिखाई देंगे। तो बोले सर एंटी क्लॉकवाइज को हम कौन सी डायरेक्शन बोले, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, या आगे की तरफ भी आएंगे।
तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बोला गया कि इनकी जो डायरेक्शन है वो हम इस प्लेन में नहीं लेंगे, जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उसमें नहीं लेंगे। तो कहाँ लेंगे? तो सर इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे। इसके परपेंडिकुलर दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं, एक प्लेन से बाहर आती हुई डायरेक्शन और एक प्लेन के अंदर जाती हुई डायरेक्शन। बोले सर अगर कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो आप अपना राइट हैंड यूज करिए, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करिए और थंब आपको किसकी डायरेक्शन दे देगा? एंगुलर वेरिएबल की डायरेक्शन, जो भी एंगुलर वेरिएबल है उसकी डायरेक्शन दे देगा। इस केस में देखो अगर एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी लिखोगे? फिंगर्स को रोटेट करो, थंब किधर पॉइंट कर रहा है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और बाहर की तरफ डायरेक्शन होती है बच्चों के कैप। कौन सी डायरेक्शन होती है? के कैप, जेड डायरेक्शन होती है, जेड एक्सिस होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो डायरेक्शन कौन सी लेनी है? तुम्हारी तरफ। तुम्हारी तरफ यूजुअली कौन सी डायरेक्शन होगी? जेड एक्सिस, क्योंकि ये जो प्लेन है इसकी डायरेक्शन होती है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, कोई जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए कुछ और दे तो अलग बात है, अदरवाइज जो प्लेन हम जो पेपर का प्लेन लेते हैं वो कौन सा होता है? एक्स वाई प्लेन। तो अगर कोई चीज एक्स वाई प्लेन में घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एक्स वाई प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो डायरेक्शन कौन सी लोगे? डॉट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ये हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर कोई चीज एक्स वाई प्लेन में घूम रही है तो डायरेक्शन कौन सी होगी? जेड डायरेक्शन। ओके, पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड कैसे डिफाइन करोगे? अरे बड़े आराम से हाथ को घुमाओ, ठीक है, जैसे मोशन दिख रहा है तुम्हें पार्टिकल्स का वैसे उंगलियों को घुमाओ और थंब क्या दे देगा तुम्हें? एंगुलर वेरिएबल की डायरेक्शन। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या डायरेक्शन हुई? ओमेगा के कैप। अगर क्लॉकवाइज कोई चीज घूम रही है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो फिंगर्स को कैसे रोटेट करना है? राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज रोटेट करो। जब क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो थंब किस तरफ पॉइंट करेगा? अंदर की तरफ। तो क्लॉकवाइज की कौन सी डायरेक्शन हुई? गोइंग इनटू द प्लेन, उसको क्रॉस से दिखाते हैं। कमिंग आउट ऑफ द प्लेन डॉट से दिखाया जाता है, गोइंग इनटू द प्लेन क्रॉस से दिखाया जाता है। अरे सर ये नोटेशन कहां से आया? बच्चों अगर मैं एक एरो चलाऊं और वो हाइपोथेटिकली आपके आंख की तरफ आ रहा है तो आपको क्या दिखाई देगा? उसके आगे का डॉट दिखाई देगा। तो जो चीज आपकी तरफ आ रही है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। समझ में आया? और अगर आप एक एरो चलाओ अपने से दूर तो आपको क्या दिखाई देगा? उसके पीछे जो फेदर्स लगे होते हैं ना वो दिखाई देंगे। तो उनको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक क्रॉस दिखाई देगा। ठीक है, आपकी तरफ कोई चीज आ रही है तो आपको डॉट दिखाई देगी, आपसे दूर कोई चीज आ रही है तो आपको क्रॉस दिखाई देगी। तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी लेनी है? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन यानी क्रॉस, उसको हम यहां पर इस केस में माइनस जेड डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। और माइनस जेड मतलब एंगुलर वेलोसिटी कैसी लिखेंगे? माइनस ओमेगा के कैप। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दो। हाथ को रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव के कैप, क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव के कैप। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूज करने के लिए बोले कि बाहर की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस मानो तो बोलो कोई बात नहीं, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन और क्लॉकवाइज मतलब गोइंग इनटू द प्लेन, वो कभी गलत नहीं होगा तुम्हारा। इज दैट क्लियर? ऐसे डायरेक्शन क्यों डिफाइन करी ये बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि जो चीज क्लॉकवाइज घूम रही है बच्चों वो नीचे भी जाएंगे पार्टिकल्स, थोड़ी देर बाद पीछे भी जाएंगे, थोड़ी देर बाद ऊपर भी जाएंगे और थोड़ी देर बाद राइट भी जाएंगे। तो एक्स वाई प्लेन में उनकी सभी डायरेक्शन कवर होंगी। अगर कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है तो आगे भी जाएगी, नीचे भी, पीछे भी, ऊपर भी। तो इनमें से कोई एक डायरेक्शन बोलना तो गलत होगा, क्योंकि आगे जा रही है तो पीछे भी जा रही है, ऊपर जा रही है तो नीचे भी जा रही है। तो फिर डायरेक्शन कौन सी देते? आगे पीछे ऊपर नीचे के अलावा कौन सी डायरेक्शन बची? बोले कमिंग आउट और गोइंग इन। तो गोइंग इन डायरेक्शन इसके लिए डिफाइन की।
समझ में आई, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स। बच्चों इनको एक्सियल वेक्टर्स भी बोलते हैं, इसीलिए क्यों बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स, इनको एक्सियल ऊपर लिखा हुआ है, एक्सियल वेक्टर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनकी डायरेक्शन जो होती है इट इज अलोंग एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। डायरेक्शन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। दो केस हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों हमने कवर कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी डायरेक्शन जज करने में, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन है, अ व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड। एक व्हील है, कार का व्हील मान सकते हो आप, ठीक है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं गिवन है तो आप क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, उनका आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्शन पूछ ही नहीं रहे, वो आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं कि वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसको ऐसे हमेशा परेशान नहीं होने का कि बताया नहीं है सर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, नहीं बताया इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है क्वेश्चन, और आपको सिर्फ क्या बताना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है। ध्यान से पढ़ो, अ व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पाई बाय 6 रेडियन पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 30 सेकेंड्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 30 सेकेंड में ये कितना एंगल ट्रैवल करेगा, तो आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कौन कौन सी है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम गिवन है, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ओमेगा नॉट कितना है, पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है 30 सेकेंड। बच्चों इस केस में एल्फा की वैल्यू हमें क्या पुट करनी पड़ेगी, जीरो। ये तुम्हें खुद से समझ में आना चाहिए, क्यों समझ में आना चाहिए, मैंने बोला कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कोई बताएगा नहीं कि अल्फा जीरो है या नहीं है, उसने लिख दिया कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तुम बोलोगे सर जो चीज कांस्टेंट है उसका रेट ऑफ चेंज जीरो ही हुआ, जो चीज कांस्टेंट है वो चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो माना जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो। ये चीज खुद से डिड्यूस करना सीखो कि सर अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, यानी अल्फा जीरो होगा। तो अल्फा को जीरो पुट किया, थीटा की वैल्यू आई 5 पाई रेडियन। अभी स्टार्टिंग में आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा कि ये 5 पाई रेडियंस की क्या वैल्यू होती है, आप पाई को अगर 180 डिग्री सोचोगे तो 180 इंटू 5 होता है बच्चों 900 डिग्री से व्हील रोटेट हो गया, 900 डिग्री से रोटेट हो गया, एक सर्कल में कितना डिग्री चलता है 360, समझ रहे हो, आधे सर्कल में कितना चलता है 180 का 5 टाइम्स है तो इसने 5 टाइम्स आधे आधे राउंड कंप्लीट किए, 5 टाइम्स आधे आधे राउंड यानी 2.5 राउंड्स कंप्लीट किए इसने, ठीक है। तो डे वन पे ये सारी चीजें एकदम से नहीं दिखेंगी, पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप जरूर सही कैलकुलेट कर दोगे, पहले पार्ट को आपने यहीं पर सॉल्व कर दिया, समझ में आई बात। दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, एक सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू पहले तो ओमेगा टी, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर लिख लिया,
जब भी बच्चों ओमेगा कांस्टेंट है, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते ही क्या समझ जाओगे तुम कि सर अल्फा इज जीरो, ओमेगा ही वैल्यू गिवन है, ओमेगा इज कांस्टेंट, और एक सर्कल का टाइम पीरियड पूछा जाए, एक सर्कल में कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एक सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन, 2 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा नॉट टी लिख दिया यहां पर मैंने, और अल्फा वाला टर्म जीरो, तो इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आएगी 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, इस क्वेश्चन में ओमेगा नॉट कितना दिया है, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट इज पाई बाई 6, ये आ गया बच्चों 12 सेकेंड, 12 सेकेंड में इसने पहला सर्किल कंप्लीट किया होगा। ऐसे भी सोच सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी है पाई बाई 6, यानी 30 डिग्रीज एक सेकेंड में चल रहा है, 2 सेकेंड में 60, 3 सेकेंड में 90 और 12 सेकेंड में 360, ठीक है, तो वैसे भी सोच सकते थे लेकिन सोचने की जरूरत नहीं है, यू कैन ऑलवेज यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इसका मतलब इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड, किस चीज का पीरियड, हर बार सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, हर बार टाइम, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो हर बार कितने सर्कल में, कितने टाइम में सर्कल कंप्लीट होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कब काम आएगा, जब एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा जीरो, तो ये अल्फा जीरो होने पर, और अल्फा अगर नॉन जीरो है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब यूज करने पड़ेंगे, तो तीन इक्वेशन ये और चौथा ये एक्स्ट्रा हमारा, ये आपको मिलके सारे क्वेश्चंस इस पर जो बेस्ड होंगे उनको सॉल्व करा देंगे। इसको फटाफट नोट डाउन करो सॉल्यूशन, अगला क्वेश्चन देता हूं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन में अब हमें इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी, तो ध्यान से देखना। अ व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, इस बार एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ठीक है, इस बार एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है पाई बाई 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर बोला है कैलकुलेट टाइम टू कंप्लीट फर्स्ट राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है इसलिए 2 पाई बाई ओमेगा यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस बार पहले पार्ट में क्या बोला जाएगा, टाइम टू कंप्लीट फर्स्ट राउंड, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो वही लिखो एंगुलर वैल्यूज, इज दैट क्लियर, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहला राउंड कंप्लीट होने में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, 360 डिग्रीज यानी 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू द व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग, बच्चों जब भी लिखा हो स्टार्ट्स और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी नहीं गिवन हो तो आप मानोगे कि रेस्ट से शुरू हो रहा है मोशन, ओके, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, जीरो, ओके, तो जीरो प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 × 8 × 16, तो टी की वैल्यू आई 4 सेकेंड। पहला पार्ट आया समझ में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन था, एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो गिवन थी, टाइम निकाल दिया। बी पार्ट, एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ फर्स्ट राउंड, जब पहला राउंड खत्म हो रहा है व्हील का, ठीक है, उस टाइम पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी, भाई शुरुआत में तो जीरो थी एंगुलर वेलोसिटी, जब शुरू हुआ तब मोशन जब एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, पर विद टाइम एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जब पहला राउंड खत्म हुआ उस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो क्या करोगे, दो तरीके हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू, दोनों तरीके से सही आएगा सर आएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से भी सही आंसर आएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम हम पहले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या कर सकते हो, ओमेगा इज इक्वल्स टू इनिशियल इज जीरो, अल्फा इज पाई बाई 4
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और टाइम इज 4 सेकंड। इससे क्या आंसर आया, ओमेगा इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 सेकंड स्क्वायर का कट जाएगा पर सेकंड। तो 1 सेकंड बाद एंगुलर वेलोसिटी इतनी होगी, वो 1 सेकंड बाद नहीं, 4 सेकंड बाद जब पहला सर्कल कंप्लीट करेगा। लेकिन ज़्यादातर हमने टाइम कैलकुलेट नहीं किया होगा क्योंकि क्वेश्चन आया उसमें डायरेक्टली ये चीज़ पूछी, पहला पार्ट नहीं गिविन था। तो आप और कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते थे, आप थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते थे, वी स्क्वायर इज इक्व टू यू स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा 2 AS। क्यों यूज़ कर सकते थे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है 0, एंगुलर एक्सलेशन पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ फर्स्ट राउंड, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 राउंड का पता है। तो इससे भी सेम आंसर आना चाहिए था, 2 अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 और थीटा की वैल्यू, बच्चों पाई एक सर्कल में कितना एंगल चलते हैं 2 पाई, कट गया कितना आ गया पाई स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई फिर से पाई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पाई स्क्वायर तो ओमेगा की वैल्यू पाई, उससे भी सेम आंसर आया। ओके, तो कई बार आपके पास चॉइस होगी दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन से आप आंसर निकालना चाहते हो। अब तीसरा पार्ट इंटरेस्टिंग है, सी पार्ट में क्या पूछा है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट राउंड। तो बोलोगे सर एक राउंड के बाद इतनी वेलोसिटी है तो एवरेज भी क्या इसके बराबर होगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम दौड़ना शुरू किए और धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे हो तो 10 सेकंड बाद तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन पूरे 10 सेकंड में तो वो सेम स्पीड नहीं थी ना, तो एवरेज वैल्यू उससे कुछ कम आएगी। भाई अगर तुम पैसा कमाना शुरू कर रहे हो तो हो सकता है 10 साल बाद तुम 1 साल में 50 लाख कमा रहे हो। अगर मैं पूछूं कि पिछले 10 साल का एवरेज कितना है, तो हर साल तुमने 50 लाख थोड़ी कमाया, तो एवरेज 50 लाख से कुछ कम आएगा। तो उस चीज़ के लिए क्या करा जाए, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट राउंड निकालना है। तो जब भी किसी चीज़ का, जब भी वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, बताया था टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक राउंड में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट राउंड, एक राउंड का टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई रेडियंस और टोटल टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। आंसर आया पाई बाय 2 रेडियन पर सेकेंड। एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू से अलग आ सकती है, इस केस में वो वैल्यू थोड़ा सा कम आई है। इज दैट क्लियर, इसको भी नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन कराना है जाने से पहले, ओके बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इज इफ अ व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, इफ अ व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग विद इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट से एक व्हील शुरू किया रोटेट करना एंड कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलेरेशन उसका कांस्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन है कांस्टेंट, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट के बराबर ही दी है, और एंगुलर एक्सेलेरेशन हमको गिवन नहीं है तो हम उसे अल्फा ही मान लेते हैं, ठीक है। और बोला है इट्स एंगुलर वेलोसिटी डबल्स इन 5 सेकेंड। क्या बोला है, 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड्स में एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट, ठीक है। इन 5 सेकेंड इट डबल्स इट्स एंगुलर वेलोसिटी इन 5 सेकेंड, हाउ मच फर्दर टाइम विल इट टेक टू क्वाड्रपल इट्स वेलोसिटी। तो कितना और टाइम लगेगा बच्चों, कितना टाइम और लगेगा कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाए। तो थोड़ा संभल के आंसर करना, क्योंकि 99% लोग बोलेंगे कि सर ओमेगा को 4 ओमेगा नॉट जाने में, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, अगर 5 सेकंड में डबल हुई है तो 4 गुना होने में 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि सर 10 सेकंड लगेंगे, कुछ लोग 10 सेकंड माइनस 5 सेकंड करके बोलेंगे, लेकिन काइंडली इसको जल्दबाजी में सॉल्व ना करें, खुद से ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। तुम पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी को डबल होने में अगर 5 सेकंड लगे तो
तो एंगुलर वेलोसिटी को फर्दर डबल होने में कितने सेकंड लगेंगे? कोई होशियार लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर एक बार डबल होने में 5 सेकंड लगे, तो फिर डबल से डबल होने में, मतलब 4 गुना होना, तो डबल का डबल होने में फिर से 5 सेकंड लगेंगे, वो भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल इन सच क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या करना है, पहले फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है इससे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे कि ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, कितना है, 2 ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी की वैल्यू है 5। तो अल्फा की वैल्यू निकालो, ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट बाई 5, अल्फा की वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट बाई 5। और अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, हमेशा इस तरीके से करो, डायरेक्टली मारने की कोशिश मत करो कि एक बार डबल होने में 5 सेकंड लगे हैं तो दोबारा डबल होने में भी 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, उससे गलत हो सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट में ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी में, अब जब हम सेकेंड पार्ट के लिए सेम इक्वेशन लगा रहे हैं तो इनिशियल ओमेगा क्या ली जाएगी, इनिशियल क्या ली जाएगी 2 ओमेगा नॉट, और फाइनल क्या ली जाएगी 4 ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट बाई 5 इंटू टी, और आंसर आया टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब फटाफट मन ही मन अगर मैं बोलता 4 टाइम्स की जगह, कितनी देर में एंगुलर वेलोसिटी 9 टाइम्स हो जाएगी? हाउ मच टाइम विल द एंगुलर वेलोसिटी गो फ्रॉम 4 ओमेगा नॉट टू 9 ओमेगा नॉट? तो क्या करोगे, ठीक है, कितनी देर में 4 ओमेगा नॉट से एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स, 9 ओमेगा नॉट हो जाएगी। तो फिर से आपको सेम इक्वेशन लिखनी है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, पर इस बार फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 9 ओमेगा नॉट पुट करनी है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 4 ओमेगा नॉट पुट करनी है, प्लस अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट बाई 5, और टाइम निकल जाएगा। इस बार आंसर आएगा 9 माइनस 4 इज 5 ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाई 5 इंटू टी, एंड दैट विल गिव यू टी इज इक्वल्स टू 25 सेकेंड्स। ठीक है, दिस इज द इजी वन। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि टाइम की कैलकुलेशन हमेशा आसान रहेगी। इसका एक क्या बोल सकते हैं कि मतलब इसका एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है जिसमें हम बोलते हैं कि अगर 3 चक्कर मारने में व्हील की एंगुलर वेलोसिटी आधी हो गई तो फर्दर कितने चक्कर मारेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, तो पहले मैं सोच रहा था ये आखिरी क्वेश्चन दूंगा, पर मुझे लग रहा है वो वाला क्वेश्चन भी करा देना चाहिए, तो इसको फटाफट नोट डाउन करो, एक और क्वेश्चन करेंगे रिटार्डेशन के ऊपर। ओके बच्चों, तो ये होगा आखिरी क्वेश्चन, दैट वाज नॉट। ठीक है, अ व्हील हैज कांस्टेंट एंगुलर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब आपको पता है इस बार जो अल्फा आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इफ इट लूजेज हाफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी इन एन राउंड्स, एन चक्कर मारने में, यहां पर वैल्यू नहीं दी है, इस एन की वैल्यू 3, 4, 5 गिवन हो सकती है क्वेश्चन में। ठीक है, मैं एन के टर्म्स में ही सिखा रहा हूं, एन राउंड्स, हाउ मैनी मोर राउंड्स विल इट मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और फर्दर कितने राउंड्स मारेगा बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो एक व्हील है और इनिशियली उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी जो कि क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो ओमेगा नॉट मान लिया, और उससे उसको एन राउंड्स लगते हैं, तो कहां पहुंच जाएगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट बाई 2, यहां से यहां जाने में एन राउंड्स लगते हैं। और अब फर्दर पूछा है कि फर्दर कितने राउंड्स लेगा, ठीक है, तो फर्दर एम राउंड्स मान लेते हैं,
जिसके बाद वो कहाँ आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ओके तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, फिर से एन राउंड्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना होगा, एक राउंड का कितना होता है 2π, तो 2πn। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फाइनल पता है। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले अल्फा कैलकुलेट करेंगे। कौन सी इक्वेशन से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू u2 प्लस 2as। इसको ही क्यों चूज किया, क्योंकि फाइनल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटीज पता है, अल्फा निकालना है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है इस बार, तो इसको फटाफट यूज करो, ओमेगा नॉट बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस 3/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर पाई 2 थीटा। मैंने थीटा की वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करी, उसकी कोई वजह है, देखना। ठीक है, यहाँ पर भी मैं थीटा डैश निकाल लूँगा सीधे। सेकेंड पार्ट के लिए सेम इक्वेशन, लेकिन वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा ओमेगा स्क्वायर। अब फाइनल कितनी हो जानी चाहिए, 0 इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा नॉट बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा की वैल्यू है माइनस 3/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, इंटू थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी मानी है, थीटा डैश। अल्फा की वैल्यू वहां से पुट करी, थीटा डैश इस 2 से 2 काटा, ठीक है, और इसको उधर ले गए तो हो गया माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई थीटा इंटू थीटा डैश। सब कुछ कैंसिल आउट करो, ये कटा ये कटा, थीटा डैश की वैल्यू आई थीटा बाई 3, यानी जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले हुआ था अब उसका 1/3 होगा, तो जितने राउंड्स पहले मारा था अब उसका 1/3 मारेगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो m इज इक्वल्स टू एन बाई 3। अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आते हैं तो आप थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो, 2πn अपॉन 3, तो ये आ गया थीटा डैश। और फिर m की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, थीटा डैश बाई 2π, जितना एंगल चला उसको 2π से डिवाइड करोगे तो उतने राउंड्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक राउंड में 2π चलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n बाई 3, जैसे चाहे समझ लो। ठीक है, अगर आपको किसी ने बोला कि एक व्हील है उसने 1800 डिग्रीज चला, तो आप बोलोगे कि 1800, एक सर्कल में 360 होता है, 360 इंटू 5 1800 होता है, तो 1800 को 360 से डिवाइड किया तो आया 5, तो इसका मतलब 5 राउंड चला। तो अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है, आप उसको 360 डिग्रीज या 2π रेडियन से डिवाइड कर दोगे तो आपको कितने राउंड्स कोई चीज़ घूमी वो मिल जाएगी। फटाफट इसको भी नोट डाउन करो, और नेक्स्ट क्लास में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड आई होप आपको वो समझ में आए।